दिल्ली में मोदी और यूपी में योगी, सियासत का यह सबसे ताकतवर सहयोग माना जाता है। दोनों का एक दूसरे पर अटूट भरोसा है। यह भरोसा दोनों दिग्गज नेताओं ने बार बार जाहिर भी किया है। फिर योगी और केंद्र के बीच अनबन की अटकलें क्यों शुरू हुई? चर्चा यह है कि योगी की कैबिनेट में मोदी के करीबी AK शर्मा को शामिल करने की बात उठी तो इस बात पर योगी राजी नहीं हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो योगी आदित्यनाथ की तारीफों के पुल बांधते रहे हैं, योगी आदित्यनाथ खुद प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो सियासत की गलियों में शीर्ष स्तर पर अनबन की खबरें गर्म हैं? बीजेपी नेता कुछ खोलकर बोल नहीं रहे हैं, सरकार के सिपहसालार भी खामोशी ओढ़े हैं, लेकिन विपक्ष को तंज करने का मौका मिल गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का ये ट्वीट देखिए। उत्तर प्रदेश का ठहरा रथ भला कैसे हो गतिमान, पहिया धसा है यूपी में पर दिल्ली के हाथ लगा। उदित राज तंज करते हुए अपने ट्वीट में लिखते हैं, 56 इंच को मिला 58 इंच। योगी और केंद्रीय नेतृत्व के बीच खींचतान की खबरें उस वक्त सामने आई थी जब यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार में मोदी के करीबी AK शर्मा का नाम उछला था। चर्चा ये थी कि पीएम मोदी MLC AK शर्मा को योगी मंत्रिमंडल में देखना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ AK शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल करने के पक्ष में नहीं है। योगी नहीं चाहते कि सरकार में दो दो पावर सेंटर का संदेश लोगों में जाए। ये खबर भी सुर्खियों में छाई कि केशव प्रसाद मौर्य को वापस संगठन में भेजा जा सकता है, उन्हें फिर से प्रदेश BJP अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है। हालांकि खुद केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस बात का खंडन कर दिया था। बैठक का भारतीय जनता पार्टी के मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक नीति से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। बताया जा रहा है 2022 है या कुछ और भी है? 2022 300 पार। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं अपने अध्यक्ष की अगुवाई में फिर 300 पार जिताएंगे। क्या मोदी के 18 साल से करीब रहे के शर्मा को मंत्रिमंडल में लिए जाने पर खींचतान की खबरें आई तो इस पर लखनऊ में BJP और RSS के नेताओं ने मंथन किया। इस बैठक के बाद दिल्ली में भी पीएम मोदी की बैठक हुई। उधर लखनऊ में यूपी BJP प्रभारी राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात की। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों ने जोर पकड़ा था। कहते हैं बीजेपी की राजनीति सबको चौंकाती है और आज वही हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अमित शाह से मिलने पहुंचे, उसी वक्त अनुप्रिया पटेल भी अमित शाह से मिलने पहुंची। उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर यह एक बड़ा घटनाक्रम है, क्योंकि बीजेपी अपने इस अलाई को शायद खोना नहीं चाहेगी। और जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त से अनुप्रिया पटेल और उनके अपना दल S को लेकर एक नाराजगी दिखाई दे रही थी, कहीं ना कहीं उसे साधने की एक कोशिश भी दिखाई दी है। केंद्रीय नेतृत्व से योगी आदित्यनाथ के मतभेदों की खबरें सुर्खियों में छाई तो कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिससे इन चर्चाओं को बल मिल गया। 5 जून को योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन था, लेकिन ना तो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी और ना ही अमित शाह और JP नड्डा ने बधाई दी। यही नहीं, यूपी सरकार की सोशल साइट पर नया पोस्टर चस्पा किया गया है। इस पोस्टर में योगी के साथ उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और दिनेश शर्मा है, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी हैं, लेकिन पीएम मोदी और JP नड्डा की तस्वीर इस पोस्टर में नहीं है। यूपी में पंचायत चुनाव में हार के बाद से ही यूपी सरकार और संगठन पर दबाव है। यूपी में केंद्रीय नेतृत्व की हलचल से चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष ने योगी आदित्यनाथ की तारीफों के पुल बांधे थे, लेकिन सतह पर जो दिखाई दे रहा है उसमें सब कुछ ठीक नजर नहीं आता। तो क्या योगी दिल्ली में सब कुछ ठीक करने आए हैं? लखनऊ में कुमार अभिषेक के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। यूपी की सियासी फिजाओं में तरह तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। दरअसल यूपी के पंचायत चुनाव में बीजेपी की हार के बाद पार्टी ने मंथन करने के लिए संगठन महामंत्री BL संतोष को भेजा था। 3 दिन के मंथन के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को दे दी। तो क्या उस रिपोर्ट पर बात करने दिल्ली पहुंचे हैं योगी? पहली जून को बीजेपी के
और उत्तर प्रदेश के बाद अब बात राजस्थान